मॉर्निंग एवरी वन। सो अगर बैंक निफ्टी को देखोगे सो ओपनिंग होते ही नीचे गिरना शुरू हो गया है। सो इससे क्या पता चल रहा है, देखो सिंपल चीज़ मैं बताऊँगा। यहाँ पर जैसे देखो ये पहले है ना, प्रीवियस डे को समझते हैं, ये जो मोमेंटम आया ना, ये मोमेंटम क्यों आया पता है? जिसने भी यहाँ पर सेल किया होगा ना उसको ट्रैप करने के लिए ये मोमेंटम आया। तो जहाँ पर जिसने भी है ना सेल किया था वो तो निकल गए मार्केट में। फिर क्या हुआ पता है, मार्केट धीरे 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 नीचे आना शुरू हो गया। जैसे नीचे आना शुरू हुआ ना तो यहाँ पर सेलर आ गए होंगे, उनको क्या लगेगा कि मार्केट अभी यहाँ से गिरेगा, बहुत ही फास्ट मोमेंटम से नीचे गिरेगा। तो क्या हुआ, मार्केट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट रिवर्सल हुआ और जिसने भी सेल किया था उनका स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, सो यहाँ की कहानी तो खत्म हो गई, जिसने सेल किया था उनका स्टॉप लॉस आ गया। सो अभी यहाँ पर जिसने बाय किया है, ठीक है, मार्केट क्या करेगा, उनको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, इसलिए तो नीचे सेलिंग आई है, समझ रहे हो? जिसने भी ये ब्रेकआउट देख के या तो कोई पैटर्न देख के बाय किया होगा, उनकी वजह से ये उनके ऐसे आना शुरू हो गए। क्योंकि सब लोग जिसने भी यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, वो सब निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ जिसने बाय किया होगा उसको यहाँ पर 1 लाख रुपये प्रॉफिट दिख रहा होगा, पर अभी उनको सीधा है ना 30,000 प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो ये क्या लॉस में बुक करेगा प्रॉफिट? नहीं, ये लॉस में बुक नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट इसका आ गया, तो ये क्या, ये तो निकल ही जाएगा। ये सबका तो ऐसे ला गया क्योंकि मार्केट डायरेक्ट इतना फास्ट मोमेंटम आया, सो इनका लॉस ज़्यादा दिख गया होगा, तो उन्होंने लॉस में निकाल दिया होगा पोजीशन। सो अभी बचते कौन है? यहाँ पर जिसने सेल किया है ना वो बचे हैं, और यहाँ पर जो रनिंग कैंडल्स में है ना सेल किया है ना वो बचते हैं। तो अभी हमें किसको ट्रैप करना है वो समझना पड़ेगा, ठीक है? सो जब तक मुझे अभी पता चल रहा है, मार्केट ऐसी जगह पर है ना है अभी कि मार्केट को अभी है ना SL क्रिएट करना देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जिसने सेल किया है ना वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गया है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट ऐसा ऊपर आके इनको है ना ट्रैप करने जाएगा, इतना इजीली नहीं जाएगा। मार्केट क्या कर सकता है, जो रैंडमली यहाँ पर सेल किए हैं उनको ट्रैप करने आ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा और फिर नीचे वापस जा सकता है। तो यहाँ पर हम प्लान क्या करेंगे पता है, हमारा प्लान होगा जो मार्केट में जैसी ट्रेड मिलेगी वैसे लेंगे, ठीक है? अगर यहाँ से समझो ऊपर आ गया, ठीक है, सो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर जिसने भी सेल किया उनको ट्रैप करने आ गया मार्केट, सो क्या मैं इधर सेल करूँगा? मैं सेल नहीं करूँगा, मैं वापस रुकूँगा थोड़ी देर, फिर वापस थोड़ा नीचे आएगा, और वापस जब ऐसा ऊपर आएगा ना तो लोगों को क्या लगेगा पता है, रिवर्सल। जब भी मार्केट है ना नीचे खुलता है वो रिवर्स ही हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, और अपनी बाय करना शुरू कर देंगे। जैसे वो बाय करना शुरू करेंगे मैं यहाँ पर सेल करके इनका SL ले लूँगा। तो ये मेरा प्लान है। क्या प्लान था कि यहाँ पर जैसे सेल हुआ, यहाँ पर एक ये पुल बैक आया तो इनका SL हिट हुआ है। अभी तक ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, थोड़ा नीचे जाएगा और फिर वापस ऊपर जाना शुरू करेगा, तो बायर्स को अट्रैक्ट करेगा कि भाई मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बाई करो। और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस भी है, सो आसपास यहाँ पर ना बाइंग करना हो सकती है शुरू। सो क्या होगा, लोग बाई करेंगे, जैसे ही बाई करेंगे हम सेल करेंगे, उनका आराम से यहाँ पर SL मिल जाएगा, ठीक है? सो अभी तक का तो यही प्लान है, और अगर कोई दूसरा प्लान बनता है बाइंग की तरफ तो मैं अपडेट करता रहूँगा। सो अगर व्यू देखा जाए तो 80% सेलिंग होगा और 20% बाइंग होगा हमारा। सो लेट्स सी, कल भी हमने बाइंग ही किया था, सेलिंग का मूड था, पर मार्केट जैसा दिखाता है वैसे ही हम ट्रेड करते हैं। ऐसा तो नहीं है मैं खुद का दिमाग लगा के ज़बरदस्ती सेल कर दूँ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो ज़िद्दीपन होता है। सो अभी तो देखोगे तो देखो कितना फास्ट रिवर्सल आया है। यहाँ पर देखो ये क्या, ये रिवर्सल क्या है, रिवर्सल है, ये रिवर्सल नहीं है, रैंडमली जो भी सेलर घुसे है ना उनको निकालने के लिए है। यहाँ पर जिसने सेल किया है वो क्या करेगा, उसको मार्केट टारगेट करने जा सकता है? नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक कर देगा। तो ये प्रॉफिट बुक कर दिया इसने यहाँ पर आसपास कहाँ पर, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट ना फास्ट रिकवर हो जाता है। तो क्या करेगा, यहाँ पर कोई SL ही नहीं होगा, सो मार्केट लाइव चार्ट में SL क्रिएट करेगा। सो लेट्स सी मार्केट कैसे ट्रेड करता है, तब तक के लिए सिर्फ मैं देखूंगा ही मार्केट में, ओके? अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए सो ये एग्जैक्टली इतना रिवर्स हो गया, तो जिसने भी रैंडम सेलिंग किया है ना उसको निकाल दिया। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर समझना जैसी बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, यहाँ थोड़ा साइडवेज हो रहा है। मतलब क्या, कि बायर्स को टेम्प्ट कर रहा है कि अभी ये ऊपर जाने वाला है, सो लोग बाय क्या करेंगे, लोग बाय करना शुरू कर देंगे। सो मार्केट जब भी यहाँ से थोड़ा एक मोमेंटम ऐसे ऊपर मोमेंटम देता है तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। टारगेट मैं क्यों सोच रहा हूँ, सिंपल चीज़ है, देखो यहाँ पर अगर विक्स देखोगे ना तो बाइंग साइड ज़्यादा है। मतलब क्या, नीचे देखो क्या बन रहा है, हैमर जैसी चीज़ें बन रही है। सो जब भी ये हैमर जैसी चीज़ें बनेगी तब क्या होगा पता है, बायर्स अट्रैक्ट होंगे। निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी तो देखो कैसी मोमेंटम दे रहा है। निफ्टी कोई भी जो जैसे मोमेंटम मार्केट को देना चाहिए वैसे नहीं दे रहा है, ये साइडवेज जैसा हो गया है। मतलब क्या, यहाँ पर मार्केट देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर वापस ये ऊपर जा रहा है। मतलब क्या है ना, कोई कहीं ना कहीं ना बायर है ना वायर उनको टेम्प्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। देखो यहाँ से एक कैंडल बनना शुरू हो गई है, ठीक है? सब क्या होगा, बायर्स टेम्प्ट हो गए कि यार ऐसा यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। सो क्या हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है? नहीं, ऊपर जाएगा थोड़ा, ये उनको प्रॉफिट दिखाएगा,
और फिर जैसे ये ऊपर जाके प्रॉफिट उनको दिखाता है थोड़ा, हम यहाँ पर आसपास सेल कर देंगे और फिर आराम से हम नीचे की तरह टारगेट दे सकते हैं। ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। अगर जाता है तो हमारा एसएल आ जाएगा, पर जो तरीके से इसने अभी मोमेंटम करनी शुरू की है, बायर्स 100% अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि कल भी वैसा ही हुआ था, जैसे समझाता हूँ मैं कैसे। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस था, मैं एक बना देता हूँ ताकि आपको है ना थोड़ा अच्छा पड़े। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस था, लोगों ने सेल करने की कोशिश की होगी, क्योंकि उनको पता है क्लोजिंग प्राइस के वहाँ है ना सेलर्स एक्टिवेट हो जाते, तो सेल करने की कोशिश की होगी, उन ट्रैप्ड हो गए। तो आज क्या होगा, आज वो चलेगा, आज मार्केट में क्या होगा, आज क्लोजिंग प्राइस एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, थोड़ा हमें रुकना है और, ठीक है, थोड़ा ऐसा ललचाने वाला मोमेंटम आए फिर हम आराम से सेल कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट अगर डिसाइड करेंगे तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर आएगा ना आसपास, तभी जगह हमारा टारगेट हिट होगा। सो ये डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा बहुत, पर कोई बात नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा ही। सो अभी तो देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट, क्या होना चाहिए पता है, थोड़ा निफ्टी में भी बाइंग आ जाए ना, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा होना कंटिन्यू, फिर थोड़ा ट्रेड करना चाहिए। तब तक के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या निफ्टी है ना वो भी थोड़ा है ना क्या करना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देना चाहिए आराम से। कोई कहाँ भी मार्केट नहीं भाग जाएगा, अगर आप सोचोगे यार नहीं अभी सेल कर क्यों नहीं देते थे, नहीं नहीं मार्केट को थोड़ा बनने दो। यहाँ पर से क्या है, थोड़ा ब्रेकआउट होगा ना यहाँ पर, ये आसपास लेवल पे आ जाएगा ना, और निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी कोई अच्छी जगह पे पहुँच जाएगा तब तक। तो क्या होगा, जैसे ही थोड़ा ऊपर आएगा निफ्टी, ये थोड़ा ये रेंज को ब्रेकआउट देता है, हम आराम से सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं देखते रहूँगा मार्केट में, जैसे ट्रेड लूँगा वैसे मैं अपडेट कर दूँगा। सो अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, एग्जैक्ट इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना शुरू कर दिया। क्या हमने एंट्री लिया, नहीं ले पाए, क्यों, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या था बताए, ये थोड़ा ऊपर और जाए ना तो और अटेम्प्ट हो जाए लोग, पर इसने एग्जैक्टली ना ये लेवल के आसपास से ही रेजिस्टेंस ले लिया। सो क्या यहाँ से समझता है, अगर लॉजिकली बात की जाए ना तो मार्केट ने जो किया वह सही किया है, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल जब भी रेजिस्टेंस लिया था अपने क्लोजिंग प्राइस से, रिजेक्शन आया था और फिर ऊपर गया। सो ये बार है ना क्या होगा, रिजेक्शन आएगा, ठीक है, तो लोगों क्या लगेगा, नहीं नहीं ये फेलियर में कन्वर्ट होता है तो और बाई करते, तो जैसे बाई करते उनका ऐसे लाते गया। सो अभी का प्लान क्या होगा, अभी जो प्लान होगा ना वो थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी तो हम मिस हो गए, मिस तो नहीं हुई, कन्वीनियंट नहीं हो रहा है तो हम नहीं लेंगे ट्रेड, क्योंकि तुम कितना भी सोच लो मार्केट को जैसे मूवमेंट करना है वैसे ही करेगा वो। सो अभी कैसे मोमेंटम करेंगे पता है, अभी हम सोचेंगे कि इनको यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं ना उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगर ये बार वापस अभी मार्केट समझो यहाँ से थोड़ा ओके नीचे और जाएगा, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर एक कॉल की से ट्रीट लिया जाए ताकि इनको हम टारगेट कर पाए। क्या ये लॉजिकल वे है, वो तो अभी पता नहीं, पर अभी मार्केट में जो दिखेगा वैसे ही हम ट्रेड करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पर से देखो यहाँ पर वापस यही हुआ है, कल भी यही हुआ था, देखोगे यहाँ पर जैसे ऊपर जाता है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाना शुरू कर देता है ताकि सेलर्स और ऐड हो सो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, यहाँ पर लोगों सेलर को और बिठाया जा रहा है कि भाई मार्केट और गिरने वाला है। सो क्या ये गिरेगा, देखो अभी है ना आज कैसा हो गया पता है, सब इंडिकेटर्स हैं ना आज चलने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसने क्लोजिंग प्राइस से भी है ना रेजिस्टेंस ले लिया है, तो अब क्या होगा, मे बी ये गिर जाए, ऐसा होगा। सो बहुत डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सोच समझ के ही पोजीशन लेना पड़ेगा, वरना तो इजीली लॉस हो जाएगा। सो अभी देखते हैं, देखो निफ्टी भी इसने क्या किया, ये ट्रायंगल पैटर्न है उसको आराम से ब्रेक डाउन दिया, मतलब कि जिसने सेल किया होगा वो अच्छे से प्रॉफिट बना पाएगा। सो अभी लेट्स सी क्या होता है। तो अगर अभी बैंक निफ्टी को देखा जाए, एग्जैक्टली इसने क्या किया, यहाँ पर जिसने भी रैंडमली सेलिंग किया था उसको निकाल दिया, यहाँ पर जिसने रैंडमली बाई किया था उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने एक स्विंग लगा के यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पर सेलर्स को अट्रैक्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब मार्केट को है ना आना तो नीचे है वो मुझे अब दिख रहा है। सो अब मार्केट क्या करेगा पता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जिसने भी सेल किया रैंडमली उसको निकालेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, वापस बायर्स को उम्मीद देगा कि बस यहाँ से अभी रिवर्सल होने वाले हैं थोड़ा। और जैसे ही ये लेवल या तो कोई भी यहाँ पर अच्छा लेवल पे मुझे सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यहाँ पर सेल करूँगा इजीली ये लेवल तक को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में दिख रहा है प्राइस एक्शन नीचे जा रहे के लिए, क्योंकि मार्केट इतना स्मूथली एक्ट कर रहा है ना, तो उससे पता चल रहा है कि मार्केट करना क्या चाहता है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बाई करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा टारगेट आ सकता है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता नहीं, अंदर से नहीं लग रहा, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेल करना है,
ताकि मेरा जब टारगेट आए तो बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ आए, ठीक है। सो तब तक के लिए देखते कि कैसा मार्केट करेगा। मार्केट देखो ऐसा मोमेंटम कर सकता है, या आएगा थोड़ा नीचे आएगा, वापस बायर्स को अट्रैक्ट करेगा, बायर्स को दिखाएगा कि यहाँ से क्या बोलते हो ये, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है, फिर यहाँ से कोई पैटर्न बन रही है उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर देखोगे तो ऐसा ये चेन पैटर्न मैं एग्जैक्टली बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये सब फॉलो करता था ना, तो भी पता चलता है कि मार्केट में लोग क्या देखने वाले हैं। ये पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट आने तो नीचे ही वाला है। सो अभी देखते हैं मार्केट कैसे एक्ट करता है। यहाँ पर से मैं सेलिंग नहीं करूँगा, मुझे चाहिए थोड़ा मार्केट ऊपर, जैसे ऊपर मिला वैसे ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी की बात की जाए उसमें भी सेम चीज़ हो रही है, ये क्या है 24,700 का सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये जाना चाहिए थोड़ा ऊपर। यहाँ पर क्या बनना चाहिए पता है, डब्ल्यू पैटर्न जैसा पैटर्न बनना चाहिए, ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ताकि लोगों को लगे बस यहाँ से रिकवर हो जाएगा। नहीं इतना तो नहीं आएगा, ये यहाँ लेवल के आसपास भी आया ना, ठीक है, इजीली अपन इसे नीचे के तरह नीचे के लिए टारगेट कर सकते हैं। सब देखते हैं कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है, ठीक है, तब तक के लिए मैं अपडेट करता रहूँगा। सो फाइनली मैंने एक ट्रेड ले लिया है, अगर देखोगे सो मैंने पुट शॉर्ट कर दिया है, मतलब मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से घूम जाएगा। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, अब देखो यहाँ से मार्केट क्या बता, मैं भी नीचे गिनना शुरू भी हो जाएगा, पर एक चीज़ मुझे ना तकलीफ़ क्या दे रही थी वो एक ही, यहाँ पर जैसे मैंने ये जो बताया कि यहाँ पर देखो जिसने भी सेल किया होगा ना उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया होगा, ये जो रैंडमली सेल कर रहे होगे कि यहाँ पर गिर रहा है जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उनका स्टॉप लॉस तो आ गया। सो अभी क्या हुआ, मार्केट है ना वापस नीचे जाना शुरू कर दिया, जब वापस नीचे ऐसे जाना शुरू कर दिया होगा ना, ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ होगा, वापस सेलर आ गए होंगे कि यार मार्केट अभी गिरने जाने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये जो विक्स वाली कैंडल्स बन रही है, ठीक है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी देख सकते हो ये निफ्टी में भी ऐसी कैंडल्स बन रही है, ठीक है, उसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर दिया है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो हम ब्रेक इवन पे आ गए, स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमारा समझो 80 पॉइंट्स 2400 का स्टॉप लॉस होगा। अभी ऐसा कंडीशन हो गया है ना मार्केट में कि अगर ये घूमा तो ईजिली यहाँ पर टारगेट दे देगा, वरना तो ये ना सीधा नीचे जाता रहेगा। सो लेट्स सी कि कैसे ये मोमेंटम देता है, क्योंकि मार्केट ने ऐसा रेंज बना दिया है ना कि मार्केट ने घुमा दिया दिमागी। सो जैसे कि अभी देखते हैं कि कैसे मोमेंट मार्केट करता है, उसके ऊपर ही हमारा टारगेट या कुछ भी डिसाइड होगा। तो यहाँ पर जब तक देख रहा हूँ मैं, सेलर्स तो आए हैं भर भर के, अब पता नहीं है मुझे कि यहाँ पर जो ये बायर्स है वो रहे हैं मार्केट में कि एग्जिट करके चले गए, क्योंकि मार्केट ये 2-3 बार ऐसा नीचे आता है ना तो वो निकल जाते हैं, वो नहीं रुकते यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पता मे बी कोई स्टॉप लॉस ही ना हो, पर मार्केट ऐसा नीचे आने की कोशिश करती जा रहा है। सो इसकी वजह से मैंने एक अपर साइड की जो है बुलिश साइड की है ना, मैंने एक ट्रेड लिया। सो मेरे ट्रेड की अगर बात की जाए तो अराउंड ये लेवल के आसपास ही लिया है, मतलब जो ये प्राइस जो चल रहा है वो आसपास भी उसकी मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि हम ब्रेक इवन पे अभी दिख रहे हैं। सो अगर ये यहाँ से 150 पॉइंट्स ऊपर जाता है तभी हमारा टारगेट आएगा, और 150 पॉइंट्स नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। सो ये था आज का ट्रेड के लिए लॉजिक। सो बी लेट्स सी, मैं भी मैनेज करता हूँ पोजीशन और मैं भी समझता हूँ कि मार्केट करना क्या चाहता है। ये मार्केट को देखा जाए सो यहाँ पर से ये बैरिश तो पूरा हो गया है, दिख रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो विक्स दिख रही है यहाँ पर सेलर्स भर भर के सेल करना शुरू कर दिए। सो अभी क्या पता मार्केट यहाँ से ही गिर जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने साल से मैंने काम किया है। सो मार्केट सबको बैठा के तो नहीं गिरता है, ऐसा जब तक देख रहा हूँ तब तक उम्मीद है। और अगर मार्केट अगर पोजीशन की बात की जाए तो हल्के फुल्के लॉस में आ चुके हैं। सो स्टॉप लॉस तो है हमारा बड़ा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर जो ये विक्स बनी है ना, यहाँ पर लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया होगा कि यार मार्केट अभी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, गिरना शुरू कर देगा। अगर ये यहाँ से घूमा कि सीधा ये लेवल के आसपास पहुँचेगा, ठीक है, जब तक अगर मैं देख रहा हूँ, पर अगर ये नहीं घूमा और ये नीचे धीरे धीरे गिरता गया तो क्या होगा, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो बायर्स हैं ना वो बैठे हैं और वो अभी धीरे धीरे अपनी पोजीशन निकालते जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी ऐसी कंडीशन है कि मार्केट में ना ही बोल सकते गिर सकता है ना ही ऊपर जा सकता है, पर हम ऊपर जा सकते हैं क्यों बोल रहे हैं, तो क्या हमने अपोजिट साइड पर ट्रेड लिया। सो लेट्स सी कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। सो मैं अपडेट करता रहूँगा पोजीशन, अभी देखा जाए तो यस अभी एक मोमेंटम फास्ट आना शुरू हो गया है नीचे। सो अगर ये और एक बार कंटिन्यू किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ले लेगा मार्केट। सो मैं अपडेट करता रहूँगा, लेट्स सी। मार्केट ने नीचे मोमेंटम दे दिया और एक एसएल ले लिया। सो
सो कोई बात नहीं, मार्केट में देखो पता नहीं अभी, आज तो ऐसा हो गया पर कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो आज हमारा एसएल आ गया अराउंड, अगर देखोगे तो 2300 के आसपास ही एसएल आ गया है। सो नो प्रॉब्लम, आज के लिए इतना ही।